जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी इच्छाएं पूरी कब होंगी और अगर नहीं पूरी हो रही हैं तो उनका कारण क्या है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई इच्छाएं लिए बैठा है। किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो किसी की नहीं पूरी होती हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं तो पूरा होने में समय तो लगेगा ना। जैसे कि बड़ा मकान बनाना है तो वो रातों रात तो नहीं खड़ा हो सकता, उसको बनने में समय लगेगा। और अगर उसमें समय लग रहा है तो आपको धैर्य रखना होगा। आपका धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं होती है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए बनी ही नहीं है, आप उसके लिए बने ही नहीं हैं। वो कोई भी इच्छा हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, किसी से प्रेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलती है तो लोग निराश हो जाते हैं, इसमें निराश होने की कोई बात ही नहीं है। आप दूसरा ट्राई करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बने किसी और चीज़ के लिए हैं लेकिन करते कुछ और हैं, और फिर इसीलिए उसमें हमें असफलता मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये आपकी गलती है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। सबसे पहले आपको वही करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन का चुनाव करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है कि इसे चुनूं या इसे चुनूं, बस एक बार में जो मन कहे उसे चुन लेना है, वरना आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और आप गलत ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको गलत जानकारी ही मिलेगी जो आपके लिए बनी ही नहीं है, वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो आपको सही चुनाव करना है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, आप लोगों के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं है। आप सुकून चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी इस प्रकार बैलेंस्ड हो जाए कि मन आनंदित रहे, बेपरवाह। आप थोड़े सामाजिक टाइप के हैं, आप वो समाज की रीतियों में जकड़े हुए हैं ना, आप उसे तोड़ देना चाहते हैं, आप उनसे निकल जाना चाहते हैं। कौन क्या कहता है आप इसकी परवाह नहीं करना चाहते हैं। आप सफलता चाहते हैं पर अपने लिए नहीं, आप दूसरों की भलाई हमेशा सोचते हैं। ये आपकी इच्छा है। सब कुछ टाइम पर छोड़ देना, आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जब जो होगा तब देखा जाएगा। जैसे कि किसी ने ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया कि आप जैसा चाहो वैसा करना, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया लेकिन सुकून नहीं मिला, इसलिए अब आप सभी रीतियों को तोड़कर सुकून चाहते हैं, सिर्फ सुकून चाहते हैं। लेकिन ये सुकून आपको मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपके अंदर कभी कभी ऐसी एनर्जी हावी हो जाती है, डेविल एनर्जी, जैसे कि अचानक आपको बहुत गुस्सा आना या अचानक कुछ ऐसा काम कर देना जो सही नहीं था। और दूसरी बात, आप ना निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जैसे कि पैकअप, अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है छोड़ो, अब नहीं करना। ऐसे कि आप बस लौट जाना चाहते हैं, अब नहीं करना, अब तो
जो होना था हो गया, ऐसा कि आप जल्दी निराश हो जाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। और उसी निराशा में आप सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाए। कुछ इच्छाएं हैं आपकी, ऐसा आप सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो और सब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपके मन में ये जो सडनली ये डेविल एनर्जी आती है ना, आपको ये ख़त्म करना पड़ेगा। आपके अंदर एक भ्रम है किसी बात का, आपको इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना होगा। शायद आपने अपना किसी बात पर अपना एक माइंड सेट बना के रखा है, आपको किसी की सुननी नहीं है, आपको लगता है यही सही है। आपको इस भ्रम और माया से निकलना है, आपको हकीकत की दुनिया को समझना है। ये भ्रम की दुनिया में बहुत हो गया, अब थोड़ा रियल में आइए और अपने परिवार के साथ आपको एक संतुलन स्थापित करके चलना है। यूँ बहस नहीं करनी है, यूँ तनाव नहीं लेना है, सबसे मिलजुल कर रहना है। और आप ज़्यादा समाज के बारे में मत सोचा करिए कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। आप जब कुछ करेंगे तब भी वो कहेंगे, और नहीं करेंगे तब भी वो कहेंगे। आप अपनी निराशा छोड़िए, परमात्मा आपके सामने कुछ लाने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा लाने वाले हैं। आप परमात्मा के उस ऑफर को देखने की कोशिश करिए, और आप जो चाहते हैं ना, वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप अवेयरनेस से काम लेंगे तो, यू जल्दबाजी नहीं, आप अपने अंदर का जो आपके अंदर की ब्लैक साइड है ना, उसे ख़त्म करना होगा आपको। जो डेविल एनर्जी आप पर हावी हो जाती है, उसे हटाना होगा आपको, तभी आप सफलता पा सकेंगे। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप किसी से मिलने जाना चाहते हैं, क्योंकि आप उस इंसान से मिलने जाना चाहते हैं जिसका आपने ट्रस्ट तोड़ा है, जिसका आपने विश्वास तोड़ा है, और अब आपको उसी बात के लिए गिल्ट हो रहा है। अब आप बस इंतज़ार कर रहे हैं उस इंसान का, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको अपनी हर की हुई गलती का एहसास हो रहा है कि काश ऐसा नहीं होता। शायद आप किसी की बातों में आकर ऐसा कर बैठे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था। और आपको अपनी फीलिंग्स भी छुपानी आती हैं, बतानी नहीं आती। आप अपने आप को उस तरह खुलकर किसी के सामने नहीं रखते जैसे कि आप हैं। आप बहुत सोचते हैं दूसरों के बारे में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, यही आपकी इच्छा है, शायद यही आपकी इच्छा है, तो अपनी एनर्जी बैलेंस करिए। ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना सीखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और जो आपने किया है उसके लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जानते हैं कैसी? इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तो आप परमात्मा पर छोड़िए ये, क्योंकि जिसके साथ भी आपने विश्वासघात किया है वो तो आपको छोड़कर जा चुका है, और आपकी गलती की ही वजह से वो आपको छोड़कर गया है। और ये जो भी हुआ है ना, इसमें आपका ज़्यादा दोष नहीं है, ये होना ही था, ये होना ही था, ये परमात्मा की तरफ से तय था, इसलिए ही ये हुआ है।
आप बहुत सोच रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही आपको। अब देखिए, आज फिर से वही सारी बातें हैं। ये हम जानबूझकर नहीं कर रहे, क्योंकि समथिंग सबकी एनर्जी 90% सेम ही है। इसलिए आपने जिनका विश्वास तोड़ा है, उस विश्वास को कामयाब होने में, उस विश्वास को फिर से बनने में समय लगेगा। आप चाहते हैं एक नई शुरुआत हो जाए, आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप समझिए कि एक डेढ़ महीने बाद तक सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा मत सोचिए, अब आपने जो कर दिया है वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आप जिससे प्यार करते हैं वो हो सकता है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन इस रीडिंग को कैसे रिलेट करना है अपने आप से, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। जय श्री कृष्णा। जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, प्यार प्यार प्यार, जिधर देखो प्यार। होना भी चाहिए। अब ये रीडिंग भी एक प्रेम वाली रीडिंग बन रही है। अभी हम खुद से तो कर नहीं रहे हैं, जैसा सामने आ रहा है वैसे ही बता रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी प्रेम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सबकी एनर्जीज भी ऐसी होंगी प्रेम वाली। आप अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, और आपको वो सक्सेस मिलेगी भी, लेकिन आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप उनसे पैचअप भी करना चाहते हैं, क्योंकि बात बिगड़ गई है। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे भी कुछ भी हो, मतलब बस हो जाए, और हो भी जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई काम हम समय पर नहीं करते ना, तो फिर बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहता। वो एक भजन आता था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये रीडिंग कुछ वैसी ही है, मतलब जब प्यास लगी थी तब किसी ने पानी दिया नहीं, और अब छप्पन भोग भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है कुछ इस रीडिंग में। अब जिस इंसान का आप इंतजार कर रहे हो, कभी आपने उसे बहुत इंतजार करवाया है, शायद वो इंसान आपसे शादी करना चाहता हो, या फिर आप लोगों का प्रेम हो, जो भी हो, आपने तब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जब वो इंसान चाहता था, तब शायद आपने हिम्मत नहीं दिखाई, तब आप ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे, ऐसे बीच में लटके रहते थे, दूसरे को भी लटका कर रखते थे। और अब आप चाहते हैं तो कैसे होगा, तब आपने हिम्मत दिखाई नहीं, तब आप क्रांतिकारी बने नहीं। आपकी भी कोई गलती नहीं है,
अपने समाज के बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचना भी चाहिए। लेकिन अब ना थोड़ी सी देर हो चुकी है, क्योंकि आप जिनसे प्रेम करते हैं ना, वो कोई साधारण स्त्री या साधारण पुरुष नहीं है, वो एक एम्प्रेस की तरह है, एक रानी की तरह, एक राजकुमारी की तरह, एक प्रिंसेस की तरह। अगर ये आप शादीशुदा हैं तो ये आपकी पत्नी का मैटर है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये आपके प्रेम का मैटर है। देखिए, सफलता हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में, वो चाहता है कि हरा भरा परिवार हो और उसमें बहुत सारा प्यार हो, कोई कलह क्लेश ना हो, सब लोग प्यार से रहें और आप अपने करियर में सफलता हासिल करें, उसके बाद बहुत सारा सुकून हो जिंदगी में। इसके अलावा और कौन क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, सभी यही चाहते हैं। ऐसा ही आप भी चाहते हैं, लेकिन बस आपने पहले बहुत सारे राज छुपाए, पहले आपने बहुत सारी बातें छुपाई, पहले आपने ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखाई, पहले आप बिल्कुल वो बेपरवाह लोग होते हैं ना, लापरवाह टाइप के, आप बिल्कुल वैसे रहे। शायद आप पर बहुत बोझ था, बर्डन था आपके ऊपर किसी चीज़ का, जैसा भी आप समझ रहे होंगे। तो पहले आपने ऐसा दिखाया और अब आप थोड़ा सा एक्शन लेना चाहते हैं, तो इंतजार करिए। पहले भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था और अब भी, अगर आपका रिश्ता आप चाहते हैं कि सही हो जाए, ये रिश्ता जिससे भी हो सकता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है। दूसरे क्या कहते हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मैच्योरिटी से काम लेना है। आप अपनी परिपक्वता दिखाइए, समझदारी से काम लीजिए और प्रेम से हैंडल कीजिए हर बात को, रिश्तों को। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बस थोड़ा अवेयर होकर, थोड़ा ध्यान से। अब नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, अब नहीं चलेगा, ठीक है? हम एक बात बताएं आपको, प्रेम अपनी जिंदगी में हर इंसान करता है, हर इंसान, लेकिन क्या है ना, समाज में प्रेम को इतनी तुच्छ नजरों से देखा जाता है, इतनी तुच्छ नजरों से देखा जाता है कि लोग बताने से डरते हैं। लोग जैसे कि कोई प्रेम पाप हो, इसीलिए रीडिंग तो प्रेम की ही निकल कर आ रही है। समथिंग तीनों ऑप्शंस में ज्यादातर करके रीडिंग प्रेम की ही थी, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं सोचना है, नहीं हमारे बारे में ऐसा नहीं लिखना है कि हमसे 100% मैच हुई या 90% मैच हुई, वरना लोग क्या कहेंगे। हम मानते हैं कि आजकल लोग प्रेम के नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। आजकल जो प्रेम है ना, वो विदाउट रीजन होता नहीं है, और जब कोई प्रेम किसी कारण की वजह से होता है तो कारण जैसे ही पूरा हुआ प्रेम भी खत्म हो जाता है। किसी रीजन की वजह से हुआ था और वो रीजन कभी भी खत्म हो सकता है,
किसी की सुंदरता रीजन थी, तो किसी की प्रतिष्ठा रीजन थी। तो रीजन तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो प्यार विदाउट रीजन होता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कुछ पाने की भावना से, वो प्रेम ही परमात्मा कहलाता है। आजकल तो इंसान भी भक्ति, भगवान की भक्ति विदाउट रीजन नहीं करता, फिर प्रेम तो इंसानों की बात है। चलिए, अगर आपसे ये रीडिंग थोड़ी बहुत भी मैच हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम।